हाँ जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग क्या करो वॉइस वगैरह ओके क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज अपना टॉपिक रहेगा कौन सा टॉपिक है आज अपने करेंगे अपॉइंटमेंट कौन सा टॉपिक करेंगे अपॉइंटमेंट का टॉपिक रहेगा स्टार्ट करते हैं क्लास को वॉइस वगैरह ओके बिल्कुल चलो जी शुरू करते हैं देखो पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन हु हैज बिकम द 28थ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है था BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है जो है 28थ नंबर का डायरेक्टर कौन बना लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह मेजर जनरल केएन दुबे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी या लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन किसको बनाया गया है सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो लाइक कर दो जल्दी से जल्दी हां जी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाए जल्दी से जल्दी आंसर दो मैं देखना चाहता हूं सबसे तेज और सबसे शानदार किसका आंसर आता है डी ऑप्शन आ रहा है डी पी ऑप्शन आ रहा है सभी बच्चों का लगभग डी आंसर आ रहा है और डी जो है कि हमारा बिल्कुल क्या होगा राइट right आंसर होगा क्या होगा डी आंसर जो है हमारा बिल्कुल है राइट right आंसर होगा क्या नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन क्या होगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है जो डी क्या है आंसर हमारा सही है लगभग सभी बच्चों का आंसर है सही आया थोड़ी सी डिटेल चेक करेंगे एक दो इसकी पॉइंट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे है जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना सात मई उन्नीस सौ साठ को कब बनता है सात मई उन्नीस सौ साठ को बनता है इसका हेडक्वार्टर कहां है नई दिल्ली में आपने कमेंट करके बताना है कि यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है इसमें जो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री है है वो कौन सी है? किस ministry के अंतर्गत बी आर ओ काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते अपने ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है वो हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कहता है भारतीय सेना का नवा उप मुख्य कौन बना है ठीक है वाइस एडमिरल तरुण सोबोती एडमिरल संतोष कुमार यादव एडमिरल निरुपमा सुब्रमण्यम या फिर एडमिरल चन्निया बंसी पोनप्पा किसको बनाया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट से और सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट से जी। आंसर है तरुण सोबोती तरुण तरुण सोबोती बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा आंसर आएगा हमारे पास ए नंबर ऑप्शन तरुण सोबती अगर इंडियन नेवी की बात करें चार दिसंबर को स्थापना होती है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसके नेवी के चीफ कौन है आर हरी कुमार है कौन है इसके चीफ है आर हरी कुमार है जो तो इंडियन नेवी के वर्तमान में चीफ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे वो हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीओ ऑफ रेलवे बोर्ड कहता है रेलवे बोर्ड की पहली महिला सी कौन बनी है रेल बोर्ड की पहली महिला सीओ कौन बनी है जया वर्मा सिन्हा डॉक्टर सोनाली घोष अनुप्रिया पटेल या अपूर्वा श्रीवास्तव जल्दी करो आंसर क्या आएगा जो बच्चे अभी जागेंगे वही इतिहास बनाएंगे आंसर आ जया ए नंबर आंसर आ रहा है ए नंबर ए नंबर आंसर आ जया वर्मा जया वर्मा वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया सभी बच्चों का आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा अपना आंसर क्या आएगा सर जया वर्मा सिन्हा अब जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट से वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी का सही है चलते है, इसके बारे में देख लेते हैं इंडिया रेलवे की बात करें अठारह में स्टैब्लिशमेंट हुआ क्योंकि सोलह अप्रैल अठारह को पहली रेल चली थी बंबई से थाने इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे न्यू दिल्ली में और रेलवे मिनिस्टर कौन है अश्विनी वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर कौन है वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है जो वर्तमान में कौन से मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्टर इनके पास में है अगला कहता वो हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो किसके लिए काम करता है इन्वायरमेंट के लिए काम करता है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है उसके चेयरमैन है किसे बनाया गया जल्दी जल्दी करो आंसर क्या आना है किसको बनाया गया प्रकाश श्रीवास्तव को किसको बनाया गया है प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया किसको बनाया गया प्रकाश श्रीवास्तव को इस पद के लिए चुना गया वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी का आंसर क्या आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है लेकिन लाइट यागमिनी का आंसर सी नंबर आंसर आया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें स्टैब्लिशमेंट अठारह अगस्त दो हजार दस को होता है इसका हेड ऑफिस कहां पे दिल्ली में है अगला वो हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहता है भारत में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नवा प्रधान कौन बनाया भगवंत अनमोल आर माधवन शोभना कुमार या कैलाश नाथ कोल किसको बनाया गया है सारे बच्चे क्लास को शेयर करो लाइक करो जल्दी से जल्दी किसको इस पद के लिए चुना गया है तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा आर माधवन को किसको चुना गया है आर माधवन को इस पद के लिए चुना गया आंसर आएगा बी ऑप्शन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें 1960 में इसकी स्थापना होती है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे महाराष्ट्र में कहां पे पुणे महाराष्ट्र में इसके डायरेक्टर हैं उपेंद्र कैंथोला इसके डायरेक्टर कौन है उपेंद्र कैंथोला नेक्स्ट है वो हैज बीकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कई बच्चों को लगता है सर आप तो अपॉइंटमेंट आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो अपॉइंटमेंट का टॉपिक रहेगा मैंने आपको ऑलरेडी शेड्यूल दे चुका हूँ यूट्यूब पे सारा का सारा की क्या रहने वाला है संजय अग्रवाल को बनाया गया सत्येंद्र प्रकाश को बनाया गया मनीष देसाई को बनाया गया या राजेश तलवार को बनाया गया किसको इस पद के लिए चुना गया है संजय अग्रवाल सतेंद्र प्रकाश मनीष देसाई राजेश तलवार जल्दी से जल्दी करो आंसर क्या आना है इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा मनीष देसाई क्या होगा मनीष देसाई सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल है राइट आंसर है पीआईबी की बात करें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अपने बात करें तो ये 1919 में 1919 जल्द वाला बाग हत्याकांड हुआ था पता ही आपको और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में कहां पे इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में अगर बताओ क्या आंसर आएगा वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ इंडिया इंफॉर्मेस्ट डायरेक्टरेट कहता भारत दे इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट दे डायरेक्टर इंचार्ज वजो किस नु चुना गया नीरज मित्तल को राजेश नाबियार को अनंत महेश्वरी को या राहुल नवीन को जल्दी करो शाबाश क्या आंसर आएगा मोन्टेम हाँ क्लास को लाइक करो शेयर करो गुड इवनिंग गुड इवनिंग कुलदीप गुड इवनिंग हां जी डी आंसर आ रहा है राहुल नवीन देखते हैं किसी का सी भी आएगा क्या है? सभी का डी आएगा डी आंसर आ रहा है राहुल नवीन वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी बच्चों का आंसर सही है क्या आएगा सर डी आंसर आएगा राहुल नवीन इसकी बात करें इसकी मई उन्नीस सौ छप्पन को न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आर पी एफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के नए डायरेक्टर किसको बनाया गया है अरविंद कुमार को दिनेश शाहरा को संजीव अस्ताना को या फिर मनोज यादव को किसको इस पद के लिए चुना गया है हाँ जी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टेंशन नहीं लेनी सारे टॉपिक करवाए जाएंगे आपको लगभग अपनी क्लास एक मंथ चलेगी है बस आपने क्या करना है क्लास को लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन डी डी आंसर आ रहा है मनोज यादव मनोज यादव डी आंसर आ रहा है मनोज यादव बिल्कुल सही आंसर है क्या आएगा डी आंसर ही आएगा हमारा आंसर आएगा मनोज यादव क्या आएगा मनोज यादव इसके बारे में देख लेते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें जुलाई अठारह में बना और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लो मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो रही है नासकॉम की नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का नवा प्रधान कौन बने अभिजीत बैनर्जी राजेश नाबियार अनंत माहेश्वरी या मिनेश सी साहा किसको इस पद के लिए चुना गया है किसको इस पद के लिए चुना गया तो राइट आंसर मारा राजेश नाबियार को किसको चुना गया है राजेश नाबियार को अगर बात करें की तो सर्विस एक मार्च को और इसका जो वर्तमान में नेशनलवार्टर है न्यू न्यू दिल्ली में पे है नेक्स्ट वो हैज बिकम दी फिफ्थ डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें डायरेक्टर जनरल कौन बने विनायक गोडसे अतुल करवार राज, राकेश पोल या विजय मोहंती किसको इस पद के लिए चुना गया है किस, किसको चुना गया है राकेश पोल को किसको चुना गया है राकेश पोल हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है आ, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें एस्टेब्लिशमेंट 1978 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में आप तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट अब वो हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो जो रो है उसके है, नए हेड किसको बनाया गया रो सामंत गोयल रवि सिन्हा अरविंद कुमार या फिर अजय ठाकुर रो रो का क्या काम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस रिसर्च के लिए यूज करते हैं रो वेरी गुड बहुत बढ़िया एक फरवरी को मनाते हैं कई कहते हैं सर पांच दिसंबर को पांच दिसंबर को होता है वर्ल्ड सोयल डे रवि आ रहा आंसर रवि 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 करके सारे सही जा रहे हैं बच्चे बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा सर बी ऑप्शन आएगा रवि सिन्हा रो की बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एस्टेब्लिशमेंट 21 सितंबर 1968 को ही इसका हेडक्वार्टर कहां है न्यू दिल्ली में जल्दी करो शाबाश के आंसर आना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जी अशोक कुमार नितिन अग्रवाल या फिर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम किसको बनाया गया है सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करो यार पहले तो किसको गया? नितिन अग्रवाल आंसर आ नितिन अग्रवाल सी आंसर आ रहा है दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा हमारा सी नंबर नितिन अग्रवाल अगर बात करें बी एस एफ की एक दिसंबर को स्टेब्लिशमेंट होती है कहां पे? न्यू दिल्ली में आप बताओ तो एक दिसंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है जी एक दिसंबर को और कौन सा डे सेलिब्रेट किया अगला क्वेश्चन है एक अप्रैल को आरबी की स्थापना आरबी के वर्तमान गवर्नर की बात करें कौन है शक्तिकांत है, है शक्ति दास कौन है आरबीआई गवर्नर कौन है शक्तिकांत है दस आरबी के डिप्टी गवर्नर की बात करें चार डिप्टी गवर्नर होते हैं उनमें से एक अभी हाल ही में बने कौन है स्वामीनाथन जानकी रमन आप कमेंट करके बताओ कि आरबी कौन से रुपए के नोट पे साइन नहीं करता कौन से रुपए के नोट पे आरबी के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं जी, तो आरबी के साइन किस पे नहीं होते एक रुपए के नोट पे ये आ गया सारा का सारा आरबी एक अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव को बना आरबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आरबी के गवर्नर जो है वो पच्चीसवें और छब्बीसवें दोनों कौन रहे हैं शक्तिकांत दास जो कि तमिलनाडु कैडर के एक आई एस अधिकारी है चार डिप्टी गवर्नर है एक का नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन एक का नाम है माइकल डी पात्रा जिसको अपने माइकल पात्रा बोलते है एक का नाम है एम राजेश्वर राव और एक का नाम है टी रविशंकर जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होती है आरबी जारी करती है कौन जारी करती है आरबी एक रुपए के नोट पे और जो कॉइन होते हैं उस पर आरबी के सिग्नेचर है आरबी के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते तो आप बताओ तो किसके साइन होते हैं उस उसपे जी नेक्स्ट है वो हैज बिकम द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगेन कहता है भारत में दोबारा से सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया देखो भारत में अगर मैं बात करूं लो का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दूसरे नंबर का जो अधिकारी होता है जब भी भारत सरकार द्वारा कभी भी कोर्ट में जाना होता है सरकारी के रूप में तो अटोर्नी जनरल वहां पे वकील के रूप में काम करता है और सेकंड नंबर पे होता है सोलिस्टर जनरल कौन होता है सोलिस्टर जनरल कौन है वर्तमान में वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कौन है तुषार मेहता कौन है तुषार मेहता यही पहले थे और यही वर्तमान में काम करें कौन तुषार मेहत सर पीडीएफ मिली टेलीग्राम थे बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपने यहाँ पे जुड़े रहना जल्दी से आंसर करना है ठीक है आगे वो हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको अपने सीबीआई बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो नवा डायरेक्टर कौन बने अरविंद वालिया परवीन सूद मनोज पांडे या नितिन प्रांजपे किसको बनाया गया है अटोर्नी जनरल है वर्तमान में आर वेंकटरमणी वर्तमान में अटोर्नी जनरल कौन है आर वेंकटरमणी वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर करता है एक रुपए दे नोट पे साइन वेरी गुड बहुत बढ़िया और कोई बताओ भी एक रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं आंसर है प्रवीण सूद क्या आएगा प्रवीण सूद तो प्रवीण सूद हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जो है सही आंसर है क्या आएगा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा परवीन सूद अगर मैं सीबीआई की बात करूं तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन स्टैब्लिशमेंट एक अप्रैल 1963 को और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो कहां पे है न्यू दिल्ली में कहां पे न्यू दिल्ली में, में। साइन मेरे होते हैं, ओके आगे वो हैज बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं दीक्षित अजय कोचर एन बीरेन्द्र जोशी इंडियन एयरफोर्स की बात करें अपने तो ये आठ अक्टूबर को थर्टी होती है इसका दिल्ली में है सर जी ये क्वेश्चन तो रटे ये तो तो यही बात है तो है ही सारे हाँ जी उसी ने बिल्कुल सही आंसर दिया फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं जो एक रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया आंसर आएगा हमारा आशुतोष दीक्षित क्या आएगा आशुतोष दीक्षित है जो हमारा बिल्कुल है राइट आंसर होगा एक नंबर इंडियन एयरफोर्समेंट आठ अक्टूबर उन्नीस सौ बत्तीस को हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है चीफ ऑफ डिफेंस एयर स्टाफ कौन है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी कौन है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी डायरेक्टर जनरल कौन है संजीव कपूर और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं आठ अक्टूबर को मनाते हैं कब मनाते हैं आठ अक्टूबर को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है यहां तक सारे थम्स अप करो ओके रिपोर्ट है बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे गुड नाइट सर अभी गुड नाइट का टाइम थोड़ी हुआ है जल्दी करो शाबाश ओके रिपोर्ट है यहां तक है चलो अगला वो हैज बीकम द न्यू डायरेक्टर जन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के न्यू डायरेक्टर कौन बने सुबोध कुमार सुजीत कुमार एम थंबादुरोई या कामख्या प्रसाद किसको बनाया गया है हां जी सुबोध कुमार आंसर आया सुबोध कुमार सुबोध कुमार आंसर आया सुबोध कुमार वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी का आंसर क्या आ रहा है सुबोध कुमार, कुमार, कुमार।, कुमार आ रहा है और सुबोध कुमार हमारे क्या बिल्कुल है राइट right आंसर है सुबोध कुमार एनटीए की बात करें तो नेशनल है न्यू डायरेक्टर जन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है राजेंद्र गरखाल को आशीष कुमार को नवीन चावला को या जनार्दन प्रसाद को आप ये कमेंट करके बताओ कि इसके फाउंडर कौन थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे बहुत बार पेपरों में आता है हेडक्वार्टर तो इसका कोलकाता में है हाँ जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेब्लिशमेंट कब हुई इसके वक्त इसके फाउंडर की बात करें कौन है इसके फाउंडर जनार्दन प्रसाद आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है हमारा आंसर होगा जनार्दन प्रसाद ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें स्टैब्लिशमेंट चार मार्च अठारह को भी इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में है, और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है सी कनिगम फाउंडर कौन है सी कनिगम इसके क्या है फाउंडर है आगे हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन वेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कमीशन ऑफ इंडिया के अगर मैं बात करूं तो पहले चेयरपर्सन जानवी दागे को सुरेखा यादव को रवनीत कौर को या सालिजा दामी को किसको बनाया गया है सारे बच्चे क्लास को पहले शेयर करो यार जल्दी से जल्दी अभी तक जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो तभी तो आंसर गलत आ रहे हैं आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या होगा रवनीत कौर क्या होगा रवनीत कौर आंसर सही होगा रवनीत कौर करें सी कमीशन की बात करेंट हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में कहां पे है न्यू दिल्ली में अगले वो है न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के न्यू लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं अर्जुन राम मेघवाल सचिन शिंदे रविशंकर प्रसाद या आनंद रमन एस किसको बनाया गया है देखो आपस में बातचीत नहीं करनी जल्दी से जल्दी आंसर देना कोशिश करो कि सबसे पहले किसका आंसर राइट आता है अर्जुन राम मेघवाल आंसर आ रहा है, अर्जुन राम मेघवाल एक नंबर आंसर आ रहा है अर्जुन राम मेघवाल अर्जुन राम मेघवाल इनके पास अभी कौन सी मिनिस्ट्री आ चुकी है एक इनके पास अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी भारत के यही बन चुके हैं अर्जुन राम मेघवाल कौन बन चुके हैं अर्जुन राम है मेघवाल आंसर क्या आएगा ए नंबर फर्स्ट फर्स्ट लो मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर आगे वो हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो शेयर मार्केट पर नियंत्रण करते हैं उसकी पहली चेयरपर्सन किसे बनाया मेघ न्यू चेयरपर्सन मेघना हेलावत सुचेता कृपलानी तेजस्विनी सावंत या माद, पुरी बूच किसको बनाया गया है अगर मैं बातचीत करूंगा पढ़ाएगा कौन है बताओ हाँ जी आंसर डी आर पुरी बूच आंसर डी आ रहा माधवीपुरी माधीपुरी माधवीपुरी माधीपुरी आंसर क्या आएगा आंसर आएगा डी ऑप्शन है माधीपुरी सही आंसर आएगा सेबी की बात करें देखो सिक्योरिटी एंड एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई में कहां पे है सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे मुंबई में सेबी की स्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992 और ये 12 अप्रैल 1998 ये एक्ट था और ये स्थापना हुई थी जी बिल्कुल नेक्स्ट बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नवा चेयरमैन कौन बना आशीष कुमार सौगात गुप्ता नवीन चावला के वी साजी किसको बनाया गया ओके okay. अच्छा आप थे पहले गुरुकुल के इंटर वेरी गुड बहुत बढ़िया करो जल्दी करो आंसर क्या आना है? है मैं तो देख रहा हूँ कौन गलत देता है सही तो सारे ही देंगे मुझे पता ही है पी आर एफ बी चलो रजनी का सर ऐसा हो सकता है कि सारे सही दे मैं तो अलग दूंगी है आंसर आएगा हमारा आंसर क्या आएगा सौगात गुप्ता क्या आएगा तो गात गुप्ता हमारा आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल है सही आंसर होगा ए एस सी आई एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई में आगे वो हैज बिकम द फोर्टीन डायरेक्टर ऑफ बाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर भारत के चौदह अगर मैं बात करूं डायरेक्टर किसे बनाया गया है विवेक बसीन को रजनीश कुमार को तपन सिंगल को राजीव चौधरी को किसको बनाया गया है एक नंबर आंसर आ रहा ए ए आ रहा है ए वाले मेरे को लगता है फिर सारे गलत हो हमारा विवेक बसीन क्या आएगा विवेक आंसर हमारा सही होगा ए नंबर बार की बात करें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे पुराना है तीन जनवरी 1954 को बना कब बना तीन जनवरी 1954 को बना और इसका हेडक्वार्टर कहां पे मुंबई महाराष्ट्र में पे मुंबई महाराष्ट्र में है नेक्स्ट अब वो हैज बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया और ये किसके लिए बनाया ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज सर्विस डिवीज़न के सुष्मिता शुक्ला अपूर्व श्रीवास्तव अनुप्रिया पटेल या डॉक्टर वसुधा गुप्ता किसको बनाया गया है वसुधा गुप्ता आंसर आ रहा है चलो सुनील का आंसर सबसे पहले आया डी मोनिका का डी आया साहिल का डी आंसर अमन का भी डी है रोहित महनाज अर्शप्रीत अर्श सरोज कुलविंदर उसी गुरसीरत कुलविंदर अभिषेक पूनम सरोज सारों का आंसर डी आ रहा है इतने बच्चे पढ़ने वाले तो गलत हो ही नहीं सकता आंसर भी क्या आएगा डी ही आएगा क्या आएगा डी आंसर बिल्कुल सही है आगे वो हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा टीसीएस जिसने पंजाब में पेपर लिया था कॉन्स्टेबल का टीसीएस जिसको सभी को लगा पता नहीं टीश पेपर में कहाँ से क्वेश्चन डालती है राजेश गोपीनाथ कुलदीप सिंह के वसम या फिर वेणुगोपाल सोमानी किसको बनाया गया है देखते हैं ये तो मेरे को लगता है कईयों का गलत होएगा अभी तक कई बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो क्लास को और शेयर कर दो फटाफट से आंसर आ रहा है सी ऑप्शन क्या रहा है सी टी सी आंसर लगभग सभी का सी आ रहा है वर्तमान में मुंबई में कहार है मुंबई कई तो इतने कॉन्फिडेंस है सी के साथ कह रहे हैं सो सही है चलो इसमें देखते हैं कौन बताता है वो हैज बिकम द न्यू सीओ ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने बीवीआर सुब्रमण्यम अनूप बैनर्जी राज्यवर्धन सिंह या नटराजन सुंदर ये हम पिछले लगभग एक साल के एक पेपर ने टीशस हाथ खड़े करवा दिए हाँ जसन बिल्कुल सही कह रहे हैं टीशस हाथ इसलिए खड़े करवा दिए क्योंकि अपने बस रटने वालों पे चलते हैं या टीशस रटने पे नहीं फोकस करता अपने लेके आएंगे अब धीरे धीरे आगे क्लासों में टीशस वाले क्वेश्चन भी लेके आएंगे दो चार दो चार है ना ए आंसर आ रहा है ए आर सुब्रमण्यम वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर भी क्या आएगा हमारा आंसर भी सही है हमारा बी बीवीआर सुब्रमण्यम आंसर आएगा ए नंबर नीति आयोग की बात करें इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है इसकी अगर स्टेब्लिशमेंट की बात करें एक जनवरी दो हजार पंद्रह को ये बना इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है इस प्रेजिडेंट कौन है नरेंद्र मोदी इसके हेड कौन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और वाइस प्रेजिडेंट कौन है सुमन कुमार बेरी कौन है सुमन कुमार है बेरी सुमन कुमार है बेरी अगला वो हेज बीकम वे बीकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के नए कौन बने आशीष कुमार नवीन चावला के वी साजी या चंद्रशेखर घोष किसको बनाया गया है अब देखते हैं किसका आंसर गलत है पेपर थोड़ी चल रहा है जी है ना पेपर चल रहा पेपर को मान के चलोगे ये सी क्वेश्चन आएंगे तभी काम बनेगा

न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये ध्यान रखना ये वो नहीं है सी ए जी ये सी जी ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये किसको बनाया गया है राजीव गाबा को एस एस दुबे को गोपाल बागले को या फिर अमित कुमार को किसको बनाया गया है हाँ हाँ अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को सुन लिया गया बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा साढ़े बंदे डीमोटिवेट हो रहे हैं इनके आंसर जल्दी क्यों आ रहे हैं तो, तो भाई आप भी कोशिश करो आपके भी जल्दी आएंगे आंसर आंसर क्या आएगा आएगा एस एस दुबे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और ये कौन से नंबर के अट्ठाईसवे नंबर के बने हैं आगे वो हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन एच ए आई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया संतोष कुमार यादव को निरुपमा सुब्रमण्यम को शशिधर जगदीशन को या फिर लक्ष्मण नरसिमहन को किसको इस पद के लिए चुना गया है हाँ जी सर ये क्लास डेली लगेगी इस टाइम बिल्कुल सुबह दस बजे का टाइम है डेली लगेगी संतोष कुमार यादव आंसर आ रहा है संतोष कुमार यादव देखते हैं सही किसका होता है संतोष कुमार यादव आंसवर भी हमारा क्या आएगा सर आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 1988 में बना इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दिल्ली में कहां पे है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दिल्ली में हां जी आंसर क्या आएगा अगला वो हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली बार एक महिला को प्रेसिडेंट बनाया गया जब से यह बना है मेरी कॉम को पीटी उषा को मिताली राज को या फिर अवनी लेखरा को किसको बनाया गया है हाँ जी आंसर सर पीटी उषा पीटी आंसर है राइट आंसर भी हमारा क्या होगा पीटी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी ऑप्शन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें ये 1927 में बना इसका हेडक्वार्टर कहां पे दिल्ली में कहां पे है दिल्ली अभी भी आपने यार क्लास को मजे वाली शेयर नहीं की क्लास को हा आगे वू हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक कमीशन एन एस सी के नए अध्यक्ष किसे बनाए अभी मैं जस्ट गुरुकुल में विजिट करूंगा अभी थोड़ी देर रुको आप तमिल साई सुंदर राजन वीरेंद्र कुमार तिवारी डॉक्टर सी वी आनंदी बोस या राजीव लक्ष्मण करंदिकार किसको बनाया गया इसका हेड इसमें कईयों की बाटी गोल होगी हाँ मुझे पता ही था इसमें कईयों की बाटी होगी इसका राइट आंसर क्या आएगा डी आंसर आएगा क्या आएगा डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा एन एस सी की बात करें नेशनल स्टेटिस्टिक कमीशन फॉर्मेशन दो हजार पांच में हेडक्वार्टर कहां पे दिल्ली में कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में देखो सारों कईयों का गलत हुआ किस किस किसका सही हुआ पहले कमेंट थम्सअप करो कि सर मेरा सही हुआ जिसका सही हुआ थम्सअप करो फटाफट से की लगता है आनंदी बोस तो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के देखते हैं किसका सही हुआ है। अगला वो है बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया सीवीसी कौन बना भारत का भारत के सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव राजीव सिंह रघुवंशी श्याम कुमार श्रीनिवास सिरिन्वास, श्रीनिवासन या समीर वेंकटपति कामत किसको बनाया गया है गलत हो गया जी मेरा कोई बात नहीं मुझे पता ही था बोतों का गलत हुआ है आंसर आ रहा है एक नंबर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या आ रहा है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करेंट ग्यारह फरवरी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में कहां पे न्यू दिल्ली में है ना देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरु जी हमारे को जॉब मिलती नहीं देखो मैं सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ कि जॉब क्यों नहीं लग पाते सक्सेस तीन चीजों से मिलती है सबसे पहले आपकी Continuity होनी बहुत जरूरी है आपको लगातार चलना यह मैटर नहीं करता कि आप स्टार्ट कैसे करते हो मैटर यह करता है कि आप उसको लास्ट अंजाम तक कैसे पहुंचाते हो है ना स्टार्टिंग में क्या करते हैं सारे बच्चे बहुत जोर से पढ़ते हैं है? लेकिन कई क्या होते हैं जब जब मंजिल एकदम पास में होती है ना तो वो रुक जाते हैं उसको लगता है मंजिल तो मिल गई कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती ना तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है है ना मैं बहुत बार देखता हूं स्टार्ट करते हैं ना बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं लेकिन जब लास्ट मंजिल की तरफ पहुंचने वाले होते हैं ना तब क्या करते हैं एकदम से गिर जाते हैं या फिर तैयारी छोड़ देते हैं और वही बात होती है है ना कि मंजिल को प्राप्त किए बिना अगर आप तैयारी छोड़ दोगे तो कोई फायदे वाली बात है है नहीं क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट करना मैटर ही नहीं करता मैटर तो ये करता है कि आप उसको एंडिंग कैसे करोगे स्टार्ट तो सारी दुनिया ही करती है बात तो वो है ना कि लास्ट आप उसको कैसे पहुंचाते हो है ना हाँ जी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वह हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख कौन है स्टील की अगर मैं बात करूँ इसकी एक महिला भी अध्यक्ष रह चुकी है जिसका नाम सोमा मंडल है अमरेंदु प्रकाश को रामचरण सिंह को शमशेर सिंह को, को या फिर मेहुल मेहता को किसको बनाया गया है शाबाश फटाफट से आंसर दो क्या आंसर आएगा अब जो बच्चा लगातार मेरे साथ 18 या 20 जनवरी तक लगातार सेशन में रुकेगा जिसको संडे का कोई मतलब नहीं जिसको नए साल का कोई मतलब नहीं उसको 100 परसेंट नौकरी मिलेगी क्योंकि अपने नए साल और संडे मंडे कुछ नहीं रहेगा लगातार आपकी क्लासे चलेगी 18 जनवरी तक कंटिन्यू तो इसका राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा अमरेंदु प्रकाश क्या आएगा आंसर आएगा हमारे पास एक नंबर अमरेंदु प्रकाश है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा एक नंबर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 19 जनवरी को बना और इसका कहा वो है न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक लिमिटेड कहता है भारत डायनामिक लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया राजेश गोपीनाथ को विवेक चौधरी को विष्णु प्रभाकर को या फिर ए माधव राव को किसको इस पद के लिए चुना गया है देखते कौन आंसर देता है सबसे पहले कौन कौन सा चलेगा लास्ट तक बताओ जल्दी से जल्दी आंसर आंसर क्या है सर आएगा ए माधव राव किसको बनाया गया है ए माधव राव को बनाया गया आंसर हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा क्या होगा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसकी बात करें इसकी 1970 में उन्नीस सौ सत्तर में हैदराबाद आगे है वो हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट कथा मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ किसको बनाया गया है ओगस्टाइन जॉर्ज क्रिस्ट को टी एस शिवा एसम को सी जितेंद्र देसाई को या संजय वी गंगापुरवाला को किसको बनाया गया है चौवालीस पोस्ट भी फिल करनी है जी बिल्कुल बिल्कुल आंसर क्या आएगा आंसर आएगा डी ऑप्शन क्या आएगा डी मद्रास हाईकोर्ट स्टेब्लिशमेंट अठारह सौ में हुई इसकी जो मेन बेंच है वो चेन्नई में लगती है आगे वो हैज बिकम द न्यू चीफ न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस अर्थ साइंस के नए मिनिस्टर किसको बनाया गया है किरण रिजिजू को अश्विनी वैष्णव को विपिन सांगी को या रमेश रंगाथम को किसको बनाया गया इस पद के लिए डेली हमारी क्लास जो रहेगी वो 45 मिनट की क्लास रहेगी क्योंकि अपने वो फिर उसको याद भी कर लेंगे साथ में उसको टेस्ट में अच्छे नंबर भी आएंगे पूरी फोर्टी फाइव मिनट्स की क्लासेज रहेगी डेली किरण रिजिजू को अश्विनी वैष्णव को विपिन सांगी को या फिर रमेश रंगानाथम को किसको बनाया गया है कुलविंदर सोगी तो उस पर पानी डाल दो आंसर क्या आएगा आंसर है, है किरण रिजिजू किसको बनाया किरण रिजिजू को बनाया गया जो अरुणाचल वेस्ट से चुनाव है जीते हुए वो हैज बिकम द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत द नवा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है श्याम कुमार श्रीनिवासन को राजीव सिंह रघुवंशी को वेणुगोपाल सोमानी को या समीर वेंकटपति कामत को किसको बनाया गया इस पद के लिए हाँ जी करंट अफेयर पेड बैच में टेस्ट होगा बिल्कुल होगा जो आपका टॉपिक स्पोर्ट्स का चल रहा है वही होगा उसका टेस्ट ठीक है हाँ जी बी आंसर आ रहा है राजीव सिंह रघुवंशी अपना सही आंसर है बी ऑप्शन ई सी जी, -जी आई की बात करें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया स्टेब्लिशमेंट 14 अगस्त 2019 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दिल्ली में आगे वो हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फीकी के नए हेड किसे बनाए गए हैं कांत पांडा को संजीव मेहता को संजय कुमार सिंह को या फिर आमिर सुबहानी को किसको इस पोस्ट के लिए चुना गया है देखते जल्दी करो आंसर फटाफट से किसको बनाया गया है आंसर आएगा सुब्र शुभ्रकांत है पांडा किसको बनाया गया सुब्रकांत पांडा को इस पद के लिए चुना गया है ठीक करें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज उन्नीस में स्टैब्लिशमेंट होता है दिल्ली में कहां पे इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में इसके प्रेजिडेंट कौन है सुब्रकांत है पांडा और यह है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है वो हैज बिकम द न्यू वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ एस एस बी कहता है एस एस बी के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया यस्तिका भाटिया को रश्मि शुक्ला को रुचिरा कंबोज को या प्रमिला जयपाल को किसको बनाया गया है

हमने नौकरी लगना ही लगना यार हम नौकरी के बिना कुछ भी नहीं है वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है इक्कीस दिसंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मूड में ज्वाइन कर सकता है ठीक है ऑनलाइन मोड में आपने छोटा सा काम करना है आपने कूपन कोड यूज करना है ए सी थ्री नाइन सेवन इसमें आपको क्या मिलेगा इसमें कोई ना कोई प्राइज आपको मिलेगा क्योंकि पहले बार बच्चों को जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनको प्राइज मिला है ठीक है हाँ जी कोई किसी को छोटा मोटा कुछ भी डाउट है जल्दी से पूछ सकते हैं मिलेंगे कल शाम को वही टाइम सेम टाइम सेम जगह है जी ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट